वेलकम बैक डे लर्नर्स आप सबका एनएलपी की फ्री हिंदी वीडियो कोचिंग की सीरीज में स्वागत है आज हम सब मॉडालिटीज के बारे में समझेंगे ये सब मॉडालिटीज आपको कब काम में आती है जब आप एनएलपी एज ए थेरापिस्ट और एज अ काउंसिलर एज अ हीलर आप किसी के साथ मदद करना चाहते हैं या वैसे भी खुद को आप हेल्प करना चाहते हैं इट्स एब्सोल्युटली साइंस जरूरी नहीं है इसके लिए आपको काउंसलर और थेरापिस्ट बनना ही है और आप उसके ऊपर ही डायरेक्टली काम करते हो आप सिर्फ इसको समझ पाते हैं तो ये माइंड साइंस से ये सब मोडालिटी के माइंड साइंस से आप बहुत बड़े लंबे समय तक की बीमारियां या बुरी लंबे समय तक की आदत और एनी बैड बिहेवियर को आप आसान तरीके से छुड़वा सकते हैं अलग अलग टेक्निक्स के द्वारा अपने आप को भी और यू कैन इवन हेल्प अदर्स आल्सो बट उसके लिए सबसे पहले सब मॉडालिटीज को समझते हैं उसके बाद वन बाय वन उसके टेक्निक्स भी मैं आने वाले वीडियो में बताने वाली हूँ आप ये सारी टेक्निक्स को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कर सकते हैं ये इतना ही मजेदार है राइट right? आपको लग रहा है इट्स इंटरेस्टिंग जस्ट टाइप ये इट्स इंटरेस्टिंग ओके इज डेफिनेशन मॉडालिटीज की क्या है कि आप स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स विद इन ईच ऑफ द फाइव मोड्स ऑफ इनपुट और सेंसेस आप कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं तो स्पेसिफिक डिस्क्रिप्टिव एलिमेंट्स होते हैं विद इन ईच ऑफ़ द फाइव मोड्स ऑफ इनपुट्स जैसे अलग अलग फाइव मोड्स ऑफ इनपुट्स हमने पहले सीखे हैं उसमें से स्पेशली लाइक एज एन एग्जाम्पल एसोसिएटेड टू डिसोसिएटेड वेन यू हैव अ सम हैबिट और फियर और मे बी इफ़ यू आर फीलिंग दैट टाइम साउंड इट्स सॉफ्ट और लाउड और इफ़ यू फील दैट पर्टिकुलर बिहेवियर और फियर इट इज कनेस्थिटिकली देखी जाए तो हॉट और कोल्ड लाइक वाइज सो यहाँ पर उसको और आसान तरीके से समझते हैं कि हाउ वी एनकोड एंड गिव मीनिंग टू अवर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन आप सब मॉडालिटीज को और ज्यादा समझना चाहते हैं थियोरिटिकली तो हाउ वी एनकोड एंड गिव मीनिंग यानी कि कोई भी घटना हो रही है चाहे आपका क्रेविंग हो रहा है ओवर ईटिंग का आपको स्नेक से डर है आप नेल बाइट करते हैं या गुस्सा हो जाता है तो उस वक्त आप अपने मन की उस वक्त की क्या स्टेट ऑफ माइंड है आप उसको कैसे एनकोड करते हो आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को यानी कि हाउ गिव मीनिंग टू अवर इंटरनल रिप्रेजेंट अंदर की दुनिया में आप क्या मीनिंग देते हो एनकोड करते हो और आप इंटरनल रिप्रेजेंटेशन चेंज करने से आप आपका पूरा कोडिंग चेंज कर सकते हैं दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सब मॉडालिटीज तो सब मॉडालिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट जस्ट टाइप सब मॉडालिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सो यहाँ पर डिजायर आउटकम ये मिलता है टू बी एबल टू कॉन्शियसली मेक चेंजेस इन अ क्लाइंट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू मॉडिफाइंग देयर सब मॉडालिटीज तो ये फायदा ये होता है कि आप अपने कॉन्शियसली यू नो एबल टू कॉन्शियसली मेक चेंजेस इन द क्लाइंट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस आप वरी कॉन्शियसली आपके क्लाइंट या आपको खुद के लिए भी कर सकते हैं आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को यू नो थ्रू मॉडिफाइंग आपकी सब मोडालिटीज को चेंज करते हुए मॉडिफाई करते हुए आपके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को आप चेंज कर सकते हैं दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ दिस बट व्हाट आर द सब मोडालिटीज एग्जांपल की किसी को कुछ डर लग रहा है और आप अपने आप के ऊपर भी पहले तो काम कर सकते हैं सपोज की ओवर ईटिंग है तो सबसे पहले तुरंत ही आप पूछे आ, अपने आप को ही देखें कि ईटिंग का जब क्रेविंग होता है तो आपको क्या पिक्चर सामने आता है पिक्चर आता है तो आस्क योर सेल्फ और सी योर सेल्फ जस्ट फील योर सेल्फ अपने आप को देखे आप पिक्चर फूड के डिफरेंट पिक्चर वैसे वेबसाइट ऐसे पेज लाइक करना या फूड को देखते हुए ऐसे इमेजिनेशन में उसके टेक्सचर आते हैं पिक्चर ध्यान दि में आता है तो आप अपने आप को पूछे कैसा पिक्चर है कलरफुल है ब्लैक एंड वाइट है आपसे नज़दीक है पिक्चर या आपसे दूर है ब्राइट है या डीम है लोकेशन कहाँ पर है राइट लेफ्ट लोकेशन साइज ऑफ द पिक्चर बड़ा है या छोटा है एसोशिएट है आप वो पिक्चर के साथ या डिसोसिएटेड है फोकस्ड है या डीफोकस्ड है फ्रेम में है या पेनारोमिक है मूवी में है या स्टिल है थ्री और फ्लैट पिक्चर है या हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पिक्चर्स यू हैव सो so, ये तरीके से अपने आप को देखें या किसी और को सपोज किसी को वेट कम करना है या ओवर ईटिंग की हैबिट में से निकलना है तो पहले पूछे कि आपको क्या दिख रहा है आपको कोई पिक्चर के फॉर्म में दिख रहा है जो भी आपको फूड का हैबिट है जिसमें से आपको बाहर निकलना है तो और वो बोले कि हाँ मुझे पिक्चर दिख रहा है तो वो कैसे दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट है या नियर है फार है यू नो थ्री है पेनारोमिक है फोकस्ड है डी फोकस्ड है सो so, पहले उनसे थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करे वो खुद ही बोलेगा कि हाँ बहुत ही कलरफुल है मेरे से नजदीक है बहुत बड़ा पिक्चर और बहुत सारे नंबर्स में बहुत सारी आइटम दिख रही है पेनोराम है सब जगह फूड ही फूड -फुड़ दिख रहा है मुंह में पानी आ रहा है वगैरह सो so, इस तरीके से वो बताएगा दूसरा मान के चलो उसको पूछे आपको कोई इसमें आवाज सुनाई दे रही है हाँ बोलता है तो कहाँ से लोकेशन कहाँ पर है राइट लेफ्ट फ्रंट बैक डायरेक्शन कहाँ पर है यू you नो know? इंटरनल आवाज है या एक्सटर्नल आवाज है लाउड है या फूड को, कोई तो बोलता भी है हाँ फूड बोलता है मुझे खाओ ऐसे सो so, वो आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही है या नजदी सॉफ्ट uh, है लाउड और सॉफ्ट फास्ट है आवाज या स्लो है यू कैन जस्ट आस्क फर्स्ट स्टेप इज दिस आफ्टर दैट डिफरेंट टेक्निक्स आई एम गोइंग टू टीच यू वेर यू कैन यू नो चेंज दिस सब मॉडालिटीज एंड चेंज इन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्लीटली uh, उनको आप हेल्प कर सकते हैं uh, कोई भी बैड बिहेवियर से जो लंबे समय से चला रहा है या कोई भी फियर से फोबिया से आप उनको निकाल सकते हैं सब मोडालिटीज को चेंज करते हुए दिस इज रियली अमेजिंग आपको ऐसा जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल यूज के इसके बाद के वीडियो में ही देखने वाले स्विश पैटर्न में सिखाने वाली हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा जैसे साउंड में किसी को पूछना है तो टोनालिटी पॉज ड्यूरेशन मीन्स आपको आवाज़ सुनाई दे रही है तो कैसी आवाज़ है क्या टोनालिटी है वो आवाज़ की कैसा आवाज़ सुनाई दे रहा है फास्ट या स्लो ये हम किसी को जब हेल्प करना चाहते हैं उसको उसमें से बाहर निकालना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन पूछे ये तीनों मॉडालिटीज़ को आप चेक करेंगे मैं तीसरी बता रही हूँ कानास्टाटी उसके ऊपर से आपको समझ में आया कि उसकी इंटेंसिटी उसका कितना इफेक्ट है वो इंसान के ऊपर विजुअली ज़्यादा है उसका इफेक्ट उसके ऊपर ऑडिटरी ज़्यादा उसको आवाज़ आ रही है या तो कनेस्थेटिक यानी बॉडीली वो ज़्यादा फील कर रहा है जैसे बॉडीली में है तो आप पूछेगी आपको उसके कुछ आपके बॉडी में फील हो रहा है जब आप फूड के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली तो आप पूछ सकते कहाँ पे फील हाँ बोले तो कहाँ पे आपके हेड पर लेग पर चेस्ट पे कहाँ पर है बॉडी के कोई भी पार्ट्स में साइज कितनी है वो फील हो रहा है तो बहुत ज़्यादा पूरा हाथ हाथ में है तो पूरा हाथ शेप वो फीलिंग का कैसा है स्टेडी है या चेंज हो रहा है यानी कि एक जगह पर पेन हो रहा है फिर दूसरी जगह पर हो रहा है हॉट है या कोल्ड गर्म है या ठंडा है वाइब्रेशन उसके हो रहे हैं कि नहीं हो रहे है प्रेशर है दबाव है या हीट है वेट है उसका भारीपन है या हल्का पन है लाइट है तो इस तरीके से आप काइनेस्थेटिक भी उसको पहले पूछ सकते हैं तो इस ये दिस आर द यू नीड टू आइडेंटिफाई जरूरी नहीं है कि तीनों हो किसी को कैनास्थेटिकली ज्यादा जब भी कोई हैबिट याद आती है ऐसे बैड बिहेवियर उसमें से निकलना है तो कोई एक चीज उसकी सबसे हाईएस्ट होगी जो डोमिनेट होगी हमें तो सिर्फ पहले आइडेंटिफाई करना है क्योंकि ये सब मोडालिटीज बाय डिफॉल्ट है जो हमारे एक्चुअली हम लोग इसके थ्रू हमारे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में ये हमारे इनपुट्स है कि जहाँ से हम इसको फील करते हैं कोई ना कोई तरीके से अब हमें उसमें से निकलना है एग्जाम्पल हमें क्रेविंग हो रहा है फूड का हमें पिक्चर ज़्यादा दिख रहा है और हमें बॉडी uh, में भी ऐसे यू नो फील होता है कि आई एम हंग्री नाउ तो दैट इज बॉडीली एक्सपीरियंस अब उस वक्त कैसे ओवर ईटिंग की हैबिट को छोड़े स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग के वक्त कैसे होता है उसकी सब मोडालिटीज क्या है उसको क्या आवाजें सुनाई देती है जब उसको क्रेव होता है या बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं या उसको पिक्चर ऐसा दिखने लगता है क्या होता है तो पहले ये रिप्रेजेंटेशन हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है जो कोई ना कोई चीज़ को डोमिनेट करके यानी फील करवाती है अब इसको हम चेंज करें वो माइंड साइंस है ये एनएलपी के द्वारा आप यहाँ पर स्विस पैटर्न से मैं बहुत आसान तरीके से सिखाने वाली हूँ बहुत सारी और भी प्रैक्टिकल यूजेज पैटर्न है स्विश पैटर्न इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट ईजी एंड इमीडिएटली रिजल्ट देने वाली पैटर्न है सो आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड फॉर स्विस पैटर्न बट ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन सब मॉडालिटीज जाननी बहुत जरूरी है तो ही आप एक्चुअली अब जो आने वाली सारी प्रैक्टिकल यूजेस है उसको आसान तरीके से समझ पाएंगे सो so, आज का मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि असाइनमेंट जो करना है तो वो करना है कि आप अपने आप को देखें कि आपका को ऐसा बिहेवियर है आप जब वो बिहेवियर में आते हैं तब आप क्या फील करते हैं पिक्चर के फॉर्म में है तो कैसा पिक्चर है आपको वो आवाज़ के फॉर्म में ज़्यादा डोमिनेट करता है तो कैसे आवाज़ है फास्ट लो उसकी कहाँ पे डायरेक्शन है और आप बॉडी लिखाने एनेस्थेटिक कहीं पे यानी बॉडी में फील हो रहा है तो हैवी है हॉट है आप वो पूरा देखें अपने आप को चेक करें फिर उसमें से कैसे निकलना है हम आने वाले वीडियो के अंदर सीखेंगे सो so, ये आपका असाइनमेंट है कि आपको चेक करें किसी और को भी पूछे कि जब तुम्हें Uh, कुछ भी जैसे किसी को uh, चाय पीने की आदत है सिंपल या नेल बाइटिंग की आदत है तो उस वक्त उसको क्या पिक्चर मन में आता है या बॉडीली क्या फील होता है साउंड आ रहे हैं तो क्या साउंड आ रहे हैं तो जस्ट आस्क क्वेश्चन एंड नोट डाउन सो इतना एटलीस्ट आज करे तो आपको सब मॉडालिटीज़ के ऊपर मास्टरी आ जाएगी राइट right फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब मॉडालिटीज़ आप जैसे सीख गए ऐसा कंसिडर करते हुए हम स्विश पैटर्न की तरफ जाएंगे और प्रैक्टिकली में आपको स्विश पैटर्न स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी जिससे आप अपने लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं और आपकी लाइफ को एब्सोल्युटली रीडिजाइन कर सकते हैं सो माय डियर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है सो जस्ट मेरे बिजनेस पेज होता है गूगल पे डी आई पी डबल एल आई डैश लाइव आप देखेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक है वहाँ जाके फाइव स्टार फोर स्टार जो भी देना चाहते दीजिए और रेट कीजिए आप मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाए तो जहां पर भी मैं नए वीडियो अपलोड करती हूं तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात सारे वीडियो देखे और इसके बाद मैं एक छोटा सा टेस्ट पेपर भेजूंगी एक लिंक भेजने वाली हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे जिसको भी इंटरेस्ट है वो अपना नाम वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है और मैं छोटा सा टेस्ट लूँगी और उसके बाद इफ़ यू आर रियली एलिजिबल फॉर दैट आई विल डेफिनेटली ऑफर द सर्टिफिकेट एन एल पी सर्टिफिकेट बट मैंने अभी तक प्रोग्राम पूरा कम्प्लीट नहीं किया है अभी तो हम सीख रहे हैं सो so, कीप वॉचिंग माई डियर फ्रेंड्स तब तक देखते रहे कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग विथ अदर्स डियर फ्रेंड्स ओके तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय